देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ये GST लागू की गई है, ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। जमीन में जो भी गरीब है, मजदूर है, मजदूर काम कैसे होगा, उसके बराबर गंभीर रहते हैं, कड़ाई भी करते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाहर है, केंद्र में वहाँ से आता है, उस पर हम लोग बात करते हैं, उसको समय लगता है। चावल और गेहूँ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। लेसी सिंह ने जब उनसे पूछा कि खाद वस्तुएं पे 5% GST लगा दी गई है, तो आइए उनसे सुनते हैं क्या कहते हैं लेसी सिंह। तो देखिए, इसमें भारत सरकार के द्वारा GST लगाया जाता है और इसमें वित्त विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं वो इसमें अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जहाँ तक रही कि हमारे विभाग से संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्यान्न गरीबों को दिया जाता है, अनाज चावल और गेहूँ, उसमें कहीं किसी तरह की गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी सरकार देती है। क्या ये बात सही है कि अब 1 किलो ही गेहूँ गरीबों को मिल पाएगा, इस तरह का कोई? जो मतलब पहले से भी जो अभी तो जो सरकार है, भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया उसी के मुताबिक हो रहा है, आगे इसमें सुधार होते रहता है। तो जो मुफ्त अनाज मिला था उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे विभाग की ओर से सरकार जो गरीबों के लिए, जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं, भूखे नहीं सोए, उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उनके तहत जो खाद्यान्न दी जाती है, अनाज दी जाती है, चावल और गेहूं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैडम, एक सवाल ये तो है कि आप जनपद समिति हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री हैं, जिस तरीके से चावल गेहूं अन्य चीज़ों पर GST लगा है, लोगों को परेशानी होगी, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोगों को परेशानी, ये मानती है जेब पे असर पड़ेगा? देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ये GST लागू की गई है, ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। और जहाँ तक रही कि लोगों पर अधिक भार पड़ेगा, तो ये तो भारत सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करते रहती है, मैडम कभी बढ़ाती है कभी घटाती भी है। मैडम, राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, इस पर GST की बात हुई और बिहार सरकार में राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है? देखिए, ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अरे, विपक्ष का तो कहना काम है, वो कहते रहेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, राज्य सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए अनवरत काम करते रहेगी और कर रही है। मैडम, एक सवाल है, पहले से महंगाई है और इससे और महंगाई बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इस पर तो भारत सरकार समय समय पर तो निर्णय लेती है, लोगों के हित के, लोगों की मांग पर, लोगों के डिमांड पर। इस पर हमारी SP साहब से ही बात हुआ और आप जानते हैं इस मामला में हमारी सरकार गंभीर रहती है, उसमें कार्रवाई होता है, उसमें कभी हमारे SP साहब से बात हुआ है, जितने लोग जैसे भी जितने लोग भी थे, जांच के बाद जो जांच के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे अफवाह में तुम्हारा नाम आया हुआ है, कल मैंने कहा उनसे कि जो सही हो जाँच करके जो इसमें संलिप्त हैं वो बचे ना, ये कार्रवाई उन पर की जाएगी, ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए, घटना तो होती है, उसको आप हम नहीं बंद कर पाएंगे, बात समझिए, सुनिए, उसको घटना को तो हम लोग क्योंकि भजंदा है बहुत, देश के अंदर देखिए बहुत बड़ा कानून बना है, फिर भी वहाँ हत्या होता है, लूट होता है, वो अलग बात है, लेकिन घटना के बाद ये देखिए कि जो आदमी संलिप्त है उसको बचना नहीं चाहिए, ये मेरी सरकार बराबर करती रहती है। जो आपने कहा आ रहा है उस पर आप पता किए होंगे, उस पर नहीं बचा लो, वहाँ ही हाल होगा, जो इस घटना करेगा इस सरकार में हम लोग बचने नहीं देंगे, सरकार कार्रवाई करती है, वो जेल जाता है। सीतामढ़ी की घटना का फैक्ट क्या पता चला? फैक्ट क्या पता चला? देखिए, फैक्ट तो अभी जांच हुए क्लियर नहीं हो पाया, जो आप भी जानते हैं, आप क्या बात है जी, फैक्ट क्लियर अभी नहीं हो पाया, लेकिन क्लियर हो जाएगा, मैंने सब कुछ यहाँ बताना है सही नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूँगा जो ऐसा घटना किया है, जहाँ भी करेगा प्रदेश के अंदर, जो गलत करेगा, किसी समाज का होगा, किसी जात का होगा, किसी वर्ग का होगा, तो आप जानते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, जात धर्म से मतलब नहीं होता है, उन्माद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ाई होगी, सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश जी हाँ जो कोई हो, और आप जानते हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हर समाज में लोग ऐसे रहते हैं, किसी भी समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो गलत करना चाहते हैं और एक मैसेज गलत देना चाहते हैं प्रदेश के अंदर,
लेकिन प्रदेश का मुखिया ऐसे आप जानते हैं, इस पर तुरंत कड़ाई से कार्रवाई करते हैं, हर जिले के अंदर हर अधिकारी से बात करते, डायरेक्ट बात करते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है, वो तो मामला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, केंद्र का मामला है, वो लगा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बोलेंगे आप। पार्टी के नेताओं ने विरोध जारी किया है, कुशवाहा ने कहा है कि जब उसमें आरक्षण ही नहीं है, पहली बार कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, आरक्षण ही नहीं है तो फिर क्यों उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा? तो सही है, उन्होंने बात रखा है, सही कहा है कि आरक्षण जो नहीं है बात सही है, लेकिन इस पर बहुत कुछ हम लोग कहा ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप लोग वहाँ से हम लोग कहते भी रहे, केंद्र का मामला है, केंद्र देख रहा है, उसी को हम भी आग्रह करेंगे, उसको फिर देखा जाए, क्योंकि हमारे बच्चे नौजवान बच्चे हैं, उनके ऊपर कठिनाई न हो, परेशानी न हो, ये सरकार गंभीर रहती है, इस पर आप खुद जानते हैं। इस ये चीज़ तो माननीय मंत्री जी बताएंगे, अब इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट दूसरा है और मीटिंग करके क्या कैसे उन्होंने इस बात को किया है उस भी समझेंगे, उसका हमको बोलना शायद ठीक नहीं रहे। बढ़ती महंगाई पे क्या लगता है, बढ़ती हुई महंगाई पे क्या लगता है, सिलेंडर के दाम करीब 1200 रुपये हो गए हैं, GST ऐसे प्रोडक्ट पे लगाए जा रहे हैं जो किसानों से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी हमारी बड़ी बहन बता रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम उनसे बाहर होता है, केंद्र का मामला होता है, लेकिन जहाँ तक स्टेट का मामला होता है आप देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय नेता बराबर उस पर चमू कसते रहते हैं, जहाँ तक जमीन में जो भी गरीब हैं मजदूर हैं, मजदूर काम कैसे होगा उस पर बराबर गंभीर रहते हैं, कार्रवाई भी करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर है केंद्र में, वहाँ से आता है उस पर हम लोग बात करते हैं, उसको समय लगता है, जो आपने बताया है ठीक है, ऐसा जो बात है ठीक है, महंगाई की बात सामने आई, मेरे यहाँ भी आई, मेरे भी लोग कह रहे हैं, जनता भी कहने की आवाज़ उठा रही है, उस पर हम बात करेंगे, कार्रवाई करेंगे। गरीबों को अनाज दे रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास क्या करेगा, गरीबों के लिए तो सरकारी अनाज है, मिडिल क्लास क्या करेगा, वो भी मिल रहा है, अगर गरीब है तो मिलेगा, मिडिल क्लास गरीब अगर है उसका भी चाहे मिलता ही है, मिलेगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को मिल रहा है, जो व्यवस्था सरकार दे रही है सबके लिए कर रही है, अपर कास्ट के भी गरीब उनको भी मिलता है। आपने साफ तौर पे सुना है कि जमा खान अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन, धन्यवाद।